देवास जिले के ग्राम जूनापानी के विमल पिता कमल मीणा नाम के युवक ने सखी सहायता समूह के नाम से एक संस्था खोलकर सैकड़ों महिलाओं के समूह बनाए और रोजगार देने के नाम पर धोखाधड़ी की। बताया जा रहा है कि विमल ने खौते गांव के डाक बंगला स्थित रोड पर एक ऑफिस खोला और पूरी प्रोसेस के साथ महिलाओं के समूह बनाए और प्रत्येक महिला से 1200 रुपये लेकर उन्हें 15 दिनों में रोजगार देने का वादा भी किया। खाते गांव सतवास नसुल्लागंज कन्नौज तहसील के सैकड़ों गांवों की महिलाओं को समूह बनाए, किसी गांव में 2 से 4 समूह भी बनाए। संस्था के संचालक विमल वीणा ने महिलाओं को कई प्रकार के रोजगार देने के सपने भी दिखाए। जब रुपये जमा करने के बाद भी महिलाओं को रोजगार नहीं मिला तो महिलाओं ने रुपये वापसी के लिए संस्था के संचालक पर दबाव बनाना शुरू किया, जिसके चलते उसने कुछ महिलाओं को रोजगार तो उपलब्ध कराया लेकिन अधिकांश महिलाओं को तो रोजगार ही नहीं मिला। नर्मदा कॉलोनी और श्री कृष्ण कॉलोनी की महिला जब ऑफिस पहुंची तो संचालक टेम्पो लेकर कहीं जाने के चक्कर में था, तभी महिलाओं ने टेम्पो में बैठ गई और रुपये लौटाने की मांग करने लगी। यही नहीं, कुछ महिलाएं तो पुलिस स्टेशन भी पहुंच गई। माहौल बिगड़ता देख संस्था संचालक विमल मीणा भी थाने पहुंच गए और महिलाओं को फिर आगे की तारीख के चेक दिए और पुलिस ने महिलाओं को ये कहते समझाया कि आपको चेक दे दिए हैं, अगर तय समय में आपके रुपये वापस नहीं मिलते हैं तो संस्था संचालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया जाएगा। और संस्था संचालक विमल मीणा को महिलाओं ने तुरंत रुपये लौटाने की समझाइश देकर फिलहाल छोड़ दिया गया है। खाते गांव से संवाददाता की रिपोर्ट। फिर आपको रोजगार दिया गया? नहीं दिया गया, कुछ भी नहीं दिया। अभी 3-4 महीने होगा, 4-5 महीने। कहाँ रहते हैं आप? हम उधर नर्मदा कॉलोनी में रहते हैं। ऐसा बोला इन्हें कि बोला तुम मैंने पैसा इकट्ठा दे दो, 200 रुपए। रोजगार कैसा देगा ये क्या सरकारी नौकरी देगा क्या करेगा? हाँ, सरकारी नहीं, जैसे पैकिंग करना, दाल ये ऐसा पैकिंग करना, घर बैठे तुम्हारा के घर बैठे मशीन ला के देगा, घर बैठे तुम्हारा सिकान आएगा। अच्छा 10 चक्कर का अपना घर बोल रहा है? एक चक्कर पैसे नहीं दिए। कौन आया था आपके? कौन आया? ये भैया आया था और के सारा इधर के ऊपर दबा के नाम है मैडम, मैडम का नाम क्या? परमिला मैडम है। अच्छा, सरकार सिलाई सिखाने का काम करते। आप कितने रुपए वेतन में आपको रखा था? 6000 रुपए महीने। कितने महीने का पेमेंट आपका लेना है? 3 महीने। और इसके अलावा आपने अतिरिक्त पैसा जमा कराए थे क्या समूह में? हाँ कराए थे, 5000 रुपये सर को किसी को देना था वो दिए, और 10000 रुपये जो माल लेके आए थे सिलाई का उसमें दिए। तो आपको पैसे वापस मिले? अभी नहीं मिले। नहीं मिले। तो आपने इस संबंध में जो आपके जो मैनेजर थे, प्रबंधक थे, उनसे फोन पे बात हुई आपकी? हाँ हुई थी, पर सर ने फोन नहीं उठाया और बोला कि हाँ दीदी आगे से डालेंगे तो दे देंगे। अच्छा, सखियों से कितने पैसे जमा करवाए? ये मेरे को नहीं पता भाई, कोई रसीद वगैरह जो बना के?